इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, इत्तेहाद न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज मैं मौजूद हूँ मौलाना अहमद सिराज साहब के साथ, जो जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटका के वाइस प्रेसिडेंट है और ज़िला धारवाड़ के प्रेसिडेंट है। आज उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले से, जो कि कल के दिन फैसला हो चुका है। मौलाना साहब, क्या आप मानते हैं कि ये फैसला इंसाफ पर मुबनी था? ये जो आपने सवाल पूछा कि मेरे समझ से पूरा फैसला मसलहत पर मबनी है, और जहाँ तक इंसाफ का तकाजा है वो तो शायद इसमें मद्देनज़र शुरू से रखा ही नहीं गया। जब से ये मुकदमा शुरू हुआ था ये बात तय थी कि मसलहत को मद्देनज़र रखा जाएगा, और मसलहत के लिहाज से फैसला ठीक हुआ। जी, इसकी मुख्तसर तारीख पर रोशनी डालिए। देखिए, चूँकि मेरा ताल्लुक़ ही अयोध्या से है, फैज़ाबाद से है, और मैंने ग्रेजुएशन भी अयोध्या से ही किया है। ये हकीकत में, जैसा कि कल के फैसले में भी इस बात को तस्लीम किया जजों ने कि ये मस्जिद थी यहाँ, और 1949 में यहाँ पर जो है वो मूर्ति रखी गई, और फैज़ाबाद अयोध्या कोतवाली में जो रिपोर्ट लिखाई गई, जिसको FIR कहते हैं, रिपोर्ट जो लिखाई गई उसमें ये बात आज भी लिखी हुई है कि चंद नामालूम लोगों ने मस्जिद में मूर्ति रख दिया। तो उसी दिन से इसको क्या कर दिया गया, लॉक लगा दिया गया। तो 1949 से लेकर के अब तक इसमें नमाज नहीं होती रही, हालांकि इसको लोगों ने ये कहा कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, लिहाजा वो मस्जिद के हुक्म से खारिज हो गई। ये बात गलत थी। तो जो कुछ हो रहा था, लंबा फैसला, मतलब फैसले का लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये बीच में एक दूसरा मुकदमा में एक ज़मीन पर तीन लोगों को मालिक बना दिया गया, 2010 में जो जजमेंट आया उसमें तीन लोगों को मालिक, उस जजमेंट को, उस फैसले को चैलेंज किया गया था, और उसी पर ये सारा मामला जो है मुकदमा चला। जो पहले से मुकदमा चल रहे हैं कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया, तोड़ा गया, वो मुकदमा तो अपनी जगह कायम है। ये बीच का एक दूसरा मुकदमा है। अब यकीनी बात है कि एक जगह के तीन मालिक नहीं हो सकते। अब तीनों मालिक को ये पेश करना चाहिए था कि किसके पास, जैसे जिसको आप कर्नाटक में कहते हैं कि उतारा, ज़मीन का कोई उतारा, या UP में जिसको कहते हैं नकल। तो जब तक नकल या उतारा नहीं पेश किया जाएगा तब तक किसी की मिल्कियत साबित नहीं होगी। अब तीनों के पास इस किस्म के कोई सबूत मौजूद नहीं थे। सिर्फ मुसलमानों का की जो बात थी उस पर यह बात कही जा रही थी कि हमारा इतने दिन से इस ज़मीन पर कब्ज़ा है, लिहाजा ये पूरी इसकी जो तारीख शुरू से चलती रही, मुकदमात पर मुकदमात चलते रहे, अलग अलग पार्टियाँ बनती रहीं, तो बहरहाल ये इसकी मुख्तसर तारीख का एक हिस्सा ख़त्म हुआ है। अभी जो दूसरा मुकदमा चल रहा है कि बाबरी मस्जिद गिराई गई, वो तो मुकदमे का फ़ैसला अभी आना बाकी है। इन पूरे सालों में मुसलमानों की जानिब से क्या कुछ कोताहियां सरजद हुई है? देखिए, मुसलमान ने, वकीलों ने अपनी हद तक जो बात कही वो एक हद तक सही थी, लेकिन दो तीन बहुत बुनियादी बातें थीं, जो जैसे मिसाल के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड जो बात कह रहा था उसने ये अपने मुकदमे में ये बात कही जज इस 40 दिन के आर्गुमेंट में कि यहाँ पर ईदगाह थी और इस ईदगाह की जगह पर मस्जिद बनाई गई, ये उन्होंने दावा किया। यानी मंदिर नहीं थी बल्कि यहाँ पर ईदगाह थी। अच्छा, अब जब उस पर बहस हुई सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस बात पर कि यहाँ ईदगाह थी, तो उनका कहना है कि ईदगाह को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई गई वहाँ पर कोई ईदगाह का सबूत नहीं मिला। इस पर हमारे वकील ये बात नहीं कर सके कि साहब, ईदगाह किसी इमारत का नाम नहीं होता है। ईदगाह तो नाम होता है एक मैदान में ईद की नमाज़ पढ़ने का, तो वहाँ पर उसके नीचे खुदाई करने में कोई भी ईदगाह के सबूत कैसे फराहम होंगे? ईदगाह कोई इमारत होती ही नहीं है। ये तो आज ईदगाह में बाद जगह पर किनारे बाउंड्री बन जाती है, वरना पुरानी जितनी ईदगाहें हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक क़िबले का निशान होता है, बकिया कोई भी इमारत नहीं होती। तो वहाँ ईद की
ईदगाह की इमारत का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा ये कह करके उनके इस बात को खारिज कर दिया गया। हालांकि बहस ये करनी चाहिए थी कि साहब ईदगाह इमारत का नाम नहीं है, ईदगाह मैदान का नाम है, लिहाजा जब चीज़ मैदान है तो उसके नीचे किसी भी तामीर का निशान पाया जाना ये कैसे मुमकिन है, ये एक बुनियादी बात हुई। और 7 एकड़ पर मुकदमा चल रहा था, बाबरी मस्जिद की जो कवर्ड एरिया था वो 2.77 एकड़ नहीं था। एक कानून में ये कमी पाई गई जो दूसरे पक्ष ने, दूसरे यानी हिंदू वकील ने जो आर्गू किया उसमें ये बात उसने कही कि साहब इनका ये कहना है कि 2.77 एकड़ पर हमारा दावा है, और उसी के साथ ये बात भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि कुछ इलाके में हिंदू शुरू से पूजा करते रहे। तो उनका कहना है कि जब एक आदमी की बुनियाद महज इस बात पर है कि हमारा कब्ज़ा है, तो कब्ज़े का कुछ हिस्सा होना और कुछ हिस्सा बाहर होना, ये अगर किसी की ज़मीन पर पाया जाएगा तो उसका पूरा कब्ज़ा नहीं माना जाएगा। इस चीज़ ने सामने वाले वकील को अच्छा पॉइंट दिया और जिसकी वजह से वो मुकदमा ठहर नहीं सका। उन्होंने ये कह करके साफ साफ, जज ने ये कह करके कि साहब आपका कब्ज़ा उतने ही पर रहा, और जबकि दूसरे और उतने पर भी मुस्तकिल 1949 से आप उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं रह गया क्योंकि केस चल रहा था, लेकिन किनारे वाले पर जहाँ पर राम चबूतरा जिसे कहते हैं उस पर मुस्तकिल पूजा होती रही, तो आप अपने कब्ज़े के कुछ हिस्से पर रहे कुछ हिस्से पर नहीं रहे, और अगर किसी ज़मीन पर कब्ज़े की बुनियाद पर अगर ये बात कही जाती है तो उसका कब्ज़ा पूरा नहीं माना जाता। ये भी हमारे ख़िलाफ़ एक बात गई जो हमसे गलती हुई, इसमें दावा करना चाहिए था। ये नंबर के लिहाज से दावा किया गया क्योंकि 2.77 एकड़ का एक नंबर रहा होगा, लिहाजा उन्होंने दावा 2.77 एकड़ का किया, और 2.7 एकड़ पे मस्जिद तामीर नहीं थी, मस्जिद तो एक छोटे से इलाके में तामीर थी। यहाँ पर भी हमसे क्या हुई है, चूक हुई है। तीसरी चीज़ जो इसमें बड़ी चूक हुई हम लोगों से, जिसकी वजह से मुकदमा जो है वो मुसलमानों के फेवर में नहीं आ सका, वो ये था कि किसी के पास कागज़ नहीं था। जैसे उन्होंने जज साहब ने पहले ही फैसले में पहले उन्होंने कहा कि नरमोही अखाड़ा को इस केस से खारिज किया जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने दलील वाले दिन क्या कहा था कि आप इसके मालिक हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे पास जो पेपर था वो सब क्या हो गया, डकैती पड़ी और चोरी हो गई, लिहाजा उन्होंने उनको खारिज कर दिया। अच्छा, मुसलमानों से कहा गया कि इस ज़मीन का पेपर आपके पास मौजूद है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा हमारा कब्ज़ा इतने दिन से है। अब सवाल ये है, चलो ना इनके पास पेपर ना उनके पास पेपर, जिसको आपने दिया उसके पास कौन सा पेपर है, बात तो फिर आकर के वहीं फंसी है, बात तो वही फंसी आकर के कि ना हमारे पास पेपर ना उनके पास पेपर। ज़मीन के मालिक की हैसियत से पेपर किसी के पास नहीं था, लेकिन कब्ज़ा एक ज़माने तक था। और मज़े की बात यह है कि जजों ने यह भी तस्लीम किया 1949 में यहाँ पर जो है वो मूर्ति रखी गई। ये सब होने के बावजूद इसमें हमारे वकीलों से बुनियादी तौर पर तीसरी चूक ये हुई कि कब्ज़े को साबित करने में पूरी तरीके से, क्योंकि बात असल होनी चाहिए थी ज़मीन के मालिक होने की। अच्छा, बाबरनामे का वो पेपर गायब है जिसमें ज़मीन को दिया गया बाबर की तरफ से, वो पेपर भी हम सबमिट नहीं कर सके जहाँ तक मेरे इल्म में है। तो इस बुनियादी दो तीन वजह से जो है ना केस हमारा कमज़ोर पड़ा। लेकिन इसके जवाब में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसके फेवर में गया उनके पास भी पेपर कुछ भी नहीं है। ये तो चूंकि मसलहत के लिहाज से फ़ैसला करना था, उस लिहाज से फ़ैसला अच्छा हो गया। इंसाफ की जहाँ तक बात है वो बहुत मुश्किल है कहना कि इंसाफ हुआ है। कल ज़फ़रयाब जिलानी साहब ने कहा कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, तो इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? मेरी समझ से है कि अब इस केस में कोई दम नहीं रह गया है। ये एक अलग बात है कि वो बहुत बड़े वकील हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन ठीक है अपने दिल के इत्मीनान के लिए कर लें, लेकिन अब इसमें कोई नतीजा निकलना नहीं है। मज़ीद जो है वो खींचना है केस को, वरना इसमें कुछ नतीजा निकलना नहीं है। उम्मत के नाम आपका पैगाम? मैंने कल भी 12 मिनट की एक तकरीर की थी, उसका एक दो जुमला शॉर्ट में बोल देता हूँ। हम शुरू से जमीयतुल उलमा के लोग, जमात इस्लामी के लोग, ज़िम्मेदारान अहले हदीस हज़रात, सब लोग ये बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी
हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम सुप्रीम मानते हैं। किसी को सुप्रीम मानना इस बात की दलील नहीं है कि वो उससे गलती नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग मैटर हैं। सुप्रीम मानना अलग बात है, गलती होना अलग बात है। तो चूंकि हम शुरू से बोलते रहे और मुसलमानों ने जो पूरे भारत में जिस चीज़ का मुशाहदा मतलब जिस चीज़ का मुशाहदा कराया भारत को, वो एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ थी। और जिस यानी इतना बड़ा फ़ैसला होने के बाद पूरे भारत में कोई भी कहीं मुसलमानों ने ना एहतजाज किया, क्योंकि मुसलमान पहले से मान चुके थे। लिहाजा ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की निगाह में यही बेहतर था, और यही सोच करके अगर हम मुतमईन होंगे तो हमको इत्मीनान भी हो जाएगा और अल्लाह ताला की रज़ा पर हमको राज़ी रहना चाहिए। यही मैं उम्मत के नाम पैगाम भेजना चाहता हूँ कि देश की शांति अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ थी, बनिस्बत उसके कि वहाँ पर जो है वो बाबरी मस्जिद दोबारा बन जाती। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला की निगाह में अमन व अमान मुकद्दम रहा, लिहाजा रब्बे ज़ुल जलाल ने वो फ़ैसला उन लोगों से करवाया। लिहाजा जब रब्बे ज़ुल जलाल का मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ कतिन कोई पत्ता भी नहीं गिरता अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर, तो जब एक पत्ता नहीं गिरता है तो इतना बड़ा फ़ैसला भी एक बग़ैर अल्लाह के नहीं हो सकता है। लिहाजा इसको ये मान लें कि अल्लाह ताला इसी में खुश है, और हम जिसमें अल्लाह खुश है उसमें हम भी खुश हैं, हमको भी खुश रहना चाहिए। मुतमईन होना अलग चीज़ है, इंसाफ होना अलग चीज़ है, लेकिन देश की अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए हमको इस फ़ैसले को तस्लीम करना चाहिए।